हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मुझे अपने कमेंट्स करते हैं इतने प्यारे प्यारे से, थैंक यू सो मच गाइस। आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं एंड आपको दिवाली की बहुत ही प्यारी प्यारी विशेज। आप लोग क्या कैसे दिवाली सेलिब्रेट हो रही है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक बड़ी दिवाली आ जाएगी। एंड आज है 3 नवंबर, तो आज है छोटी दिवाली, सो मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मैंने हेड वॉश मैंने एक्चुअली कल ही कर लिया था। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि कारपेंटर जो है वो कुछ काम कर रहे हैं। हाँ, तो अभी मशीन बंद हो गई है, तो हम लोग आज जा रहे हैं हॉस्पिटल। अपने हॉस्पिटल इसलिए हम जा रहे हैं क्योंकि आज हमें वहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह देने हैं एंड सब कुछ भी जल्दी जल्दी हुआ, तो क्या क्या गिफ्ट खरीदे हैं हम आपको वहाँ पे जाके बताएंगे, क्योंकि अभी सडन सब कुछ प्लान हुआ और इतनी ज़्यादा बिजी सब लोग चल रहे हैं ना, तो जैसे बट डेफिनेटली जो हमारी नेक्स्ट दिवाली उसको हम और भी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। बट अभी के लिए बहुत ज़्यादा काम है, घर पर भी काम लगा हुआ है, अब न्यू हॉस्पिटल है, सारी चीज़ें, तो ये सारा कुछ चल रहा है। बाकी कल का ब्लॉग अगर नहीं देखा है, धनतेरस वाला, हमने धनतेरस में क्या शॉपिंग करी, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, वो आपको देखने के मिल जाएगा मेरे इससे पहले वाले वीडियो में। बाकी मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, बाकी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है तो मुझे वो भी करना है। तो सुबह सुबह ना हम सभी लोग बैठे हुए थे, तो दादी माँ को हम दिखा रहे थे चेन जो कि कल रात में ली हुई थी, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही होगा जब हम धनतेरस की शॉपिंग के लिए गए हुए थे। इसका चेन का डिज़ाइन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और जितने भी हमारे मतलब देवर वगैरह थे एक्चुअली मेरे, वो सभी लोग चेन लेने के लिए गए हुए थे, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी चेन पसंद आई थी। उसके अलावा हम सिल्वर कॉइन्स वगैरह भी लेकर आए हुए हैं। मुझे सिल्वर कॉइन पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब शाइन करते हैं और बड़ा क्यूट सा मेरे को लगता है। उसके अलावा यहाँ पर माँ पूजा कर रहे हैं, एक्चुअली माँ पापा गए हुए थे फैक्ट्री, क्योंकि सुबह हर रोज़ मॉर्निंग में पूजा करने के लिए वो जाते हैं, तो वहाँ से पापा भी आ गए थे तो वो भी देख रहे थे, तो मतलब सब लोग हम लोग बैठे हुए थे, फैमिली टाइम चल रहा था सुबह सुबह से। और दिवाली है तो दिवाली की तैयारियां भी अब शुरू करनी है हमें। और गाइस, काफ़ी सारे लोग ना मुझसे पूछ रहे थे मेरा जो करवा चौथ वाला व्लॉग था कि जीजू ने आपको क्या गिफ्ट दिया, तो गाइस मुझे ना मेरी बहुत ही ब्यूटी सी दो ड्रेसेस मिली हुई हैं गिफ्ट में, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट जो मैंने आज पहनी हुई, मैंने सोचा था दिवाली वाले डे में इसको पहन लूंगी, तो देख लीजिए बहुत ही सुंदर सा ये फ्रॉक सूट मैं बोलूंगी इसको, क्या है कुर्ती है, बहुत ही प्यारी है एंड इसका जो फैब्रिक है, इसकी जो क्वालिटी वाइज है काफ़ी अच्छा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, देख सकते हैं आप। एंड इसका कलर जो है एक्वा कलर है एंड ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है, तो उन्होंने कहा इस टाइप के मुझे लाइट कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने इसको आपके लिए ले लिया। अब पता है उस दिन ना मेरी तबियत खराब हो गई थी, इस वजह से नाश्ता पे शेयर नहीं कर पाई थी जब हमारा करवा चौथ वाला ब्लॉग था, क्योंकि आपको पता है ना मेरी हालत कितनी ज्यादा उस दिन खराब थी। एंड बाकी जो दूसरा ड्रेस है वो रहा ये, इसका कलर भी अगेन बहुत ज्यादा प्रिटी है, ये देख लीजिए आप, पिंक कलर का शरारा ड्रेस है इसका। एक्चुअली जो इसकी कुर्ती है ये मेरे को मिल नहीं रही अभी, तो मैं आपको उसको बाद में दिखा दूंगी, बट फिलहाल आप इसको देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा शरारा ड्रेस है। तो पता नहीं यार काम वगैरह चल रहा है सारा कुछ तो कहाँ वो गायब हो गया। बाकी आप देख रहे हैं पूरे कपड़े वगैरह ऐसे फैले हुए हैं, आवाज आ रही है ना कितनी जोर से। एंड इसका ये जो इंडिया ब्रांड है ना, ये INDYA, ये काफ़ी न्यू लॉन्च हुआ है। इसके ना बहुत ही अच्छा अच्छा सा साड़ियों का, ड्रेसेस, सूट्स वगैरह का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है जो कि श्रद्धा कपूर का है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सच में पसंद आई थी, थैंक यू सो मच पदी देव। एंड आप सबने तो मेरा करवा चौथ वाला व्लॉग देखा ही होगा, उसमें मैं कितनी ज़्यादा बीमार थी, तो मैं क्या ही दिखाती आपको कि मेरे को क्या गिफ्ट मिला है क्या नहीं। बट गिफ्ट एक्चुअली ये नहीं था, गिफ्ट तो कोई और ही था, बट अभी वो थोड़ा सा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बट कुछ टाइम बाद वो गिफ्ट ज़रूर आएगा। एंड इन्होंने बोला हुआ है कि वही स्पेशल आपका करवा चौथ का गिफ्ट होगा, तो हो सकता है वो एनिवर्सरी तक मिल जाए मुझे, देखते हैं। बाकी अक्सर मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये गिफ्ट जो है, होने वाला जो गिफ्ट है वो छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है, बहुत ही स्पेशल वाला है। तो सभी लोग यहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कौन आए हैं गेस्ट, तो गाइज ये हमारी दादी बुआ हैं, तो वो आई हुई हैं मिलने के लिए, तो आज ये सारा दिन भर घर पर ही रहेंगी हमारे साथ में, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ मैं, आप लोग को दिखाती हूँ। बाकी दादी माँ वगैरह बैठी हुई हैं, अभी फाइनली मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में जस्ट हमें निकलना है और बहुत जल्दी 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 से सारे काम करके सुबह से निपटाए हुए थे, क्योंकि जाना था और फैक्ट्री के लिए माँ पापा निकल गए हैं और यहाँ पर अभी हम निकलने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं अभी हम और पहुँच के वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या कैसा है। वैसे वेरी एक्साइटेड कि हमारी फर्स्ट दिवाली हमारे हॉस्पिटल में। बाकी यहाँ पे आप ट्रैफिक तो देख ही सकते हैं कितना ज्यादा लगा है। बाकी हम आ गए हैं बसंत बिहार में, हमारा हॉस्पिटल है D9 बसंत बिहार। गाइस अभी हम आ गए हैं अपने हॉस्पिटल में और यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ विशाल भैया, हेलो कटू भैया, और ये हमारे प्रांशु भैया आशीर्वाद दे रहे हो क्या
और अभी हम लोग ना अपने यहाँ मतलब न्यू वाले जो हमारा केबिन है उसमें बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये ना किस चीज की मशीन है, डेंटिस्ट का पूरा ये है, पूरा नया सेटअप। हाँ पूरा नया सेटअप है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है, काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अब जिसके सफाई वगैरह होगी, ये डॉक्टर नेहा गोयल हैं जो कि बैठेंगी यहाँ पे। तो अगर आप लोग को भी कोई मतलब प्रॉब्लम हो टीथ से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप आ सकते हैं। बाकी पूरा न्यू सेटअप है यहाँ पर, सारा अरेंज करवाया हुआ है, तो आप लोग जरूर विजिट कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा। तो चलिए मैं आपको एक पहले लुक दे देती हूँ यहाँ का। हर रोज ना किसी ना किसी का कमेंट गाइस आता रहता है कि हॉस्पिटल में कि आप जॉब करती हो या फिर आप डॉक्टर हो या आप नर्स हो। तो गाइज हम इस हॉस्पिटल के, एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो हैं इस हॉस्पिटल के ओनर हैं, तो हमारा हॉस्पिटल है और बाकी लोगों को मतलब हमने अपॉइंट करा हुआ है डॉक्टर्स वगैरह को यहाँ पे। बता देना जैसा भी हो, हम तो आ रहा है, आइए छोटा वाला This one. Yeah, let him give. Yeah, that one. Never. Yeah, Mama, I don't know. तो ये देखिए यहाँ पर सारे दिवाली के गिफ्ट्स आ गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स और स्वीट्स वगैरह भी हैं, जो कि हम अपने सारे स्टाफ मतलब हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ नर्स डॉक्टर्स वगैरह हैं उन सभी के लिए है ये। क्या नाम इनका? आ जाओ। हेलो जी, कह रहा हूँ अकाउंट ऑफिस में आ जाओ। ये हमारे भाभी, ये हमारे सबसे मेहनती आदमी है। दिवाली तुम्हारे लिफाफा भी शाम को इसको लगाना था। राम राम। अरे वाह, लाइट वाले भी आ गए। हम तो पहले लो, अरे भैया हैप्पी दिवाली। अरे भाई दिवाली। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? मीना। बोलो वीरू। दिवाली।
नाम क्या विशाल गुप्ता भाजपा अध्यक्ष विशाल गुप्ता कटिया ओके थैंक यू ठेकेदार दीपक शर्मा अपनी औकात के सबसे अरे 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 आखिर बस बस ठीक है स्टार्ट ये क्या होता है अभी एंट्री ओके ओके भैया हो गया बिल्कुल परफॉर्मेंस चालू हो जाए नमस्कार सर ओके बेटा नमस्ते मैडम नमस्ते नमस्ते सर तेरे पैर तो पड़ा हेलो हेलो आजा आजा अभी मैं जा रही हूँ घर मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं विशाल भैया ये अभी ऑफिस में ही हैं और नहीं तो फिर मैं बोर होंगी इस वजह से मैं घर चली जा रही हूँ बहुत अच्छा लगा सबको गिफ्ट्स वगैरह दे दिए और ये हमारी पहली दिवाली आप कह लेंगे यहाँ हमारे हॉस्पिटल की है बाकी कल हम अपने फैक्ट्री वाले जो मंदिर है वहाँ पर भी खड़े होके सारे स्टाफ वगैरह को गिफ्ट्स वगैरह देंगे तो अच्छा लगेगा तो वहाँ का ही मैं ब्लॉग आप सबसे शेयर करूँगी मैंने सोचा पहले यहाँ पर हो गया है तो मैं यहाँ का आपको दिखा देती हूँ तो घर हम जा ही रहे थे कि अचानक से एम्बुलेंस आ गई हॉस्पिटल की और एक कोई पेशेंट था जिसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी तो जल्दी जल्दी से सारा अरेंजमेंट करा जा रहा था कि उनको अंदर शिफ्ट करना है और उनका जो इलाज है वो चालू करवाना है तो बाकी मैं जाऊँगी घर और घर पहुँचने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ गाइस बाय बाय गुड इवनिंग एवरीवन ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था कि क्या बताएं एक काम कर रही थी मैं यहाँ पर लाइटिंग आ रही तो मैंने ना यहाँ पे आटा लिया हुआ है क्योंकि मुझे बनाने हैं इसमें आटे के दिए तो मैंने यहाँ पे आटा तो लगा लिया है मैं पहली बार दीपक बनाने जा रही हूँ तो देखते हैं कैसे दिए बनाते हैं इसमें आई थिंक ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे जिससे कि आपके जो दीपक है बहुत ही अच्छे बनेंगे एंड इसको शेप देने के लिए कुछ देखते हैं एकदम छोटी छोटी सी इसकी गोलियाँ बना लेते हैं राजू दो चार दिए काफ़ी हैं थोड़ा सा हम ना मैंने ऑयल भी डाल दिया है जिससे कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए मैं इसमें ना छोटी छोटी सी गोलियां बनाऊंगी मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी ऐसे आटे के दिए नहीं बनाए हैं तो गाइस हमारे दिए यहाँ पर बनके रेडी हो गए हैं देख लीजिए कितने प्यारे प्यारे क्यूट से दिए हैं एंड ये थोड़ा सा अलग बन गया है सो अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म तुलसी वाली चाय मैंने वहाँ से आने के बाद में अपनी फुल टू फुल पूरी एडिटिंग करी कल के व्लॉग की क्योंकि धनतेरस का व्लॉग अभी नेक्स्ट डे गया नहीं पहले मैं सोच रही थी उसको अपलोड कर दूंगी फिर तो उसमें मैं बिजी रही अपनी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज करी रूम की एंड उसके बाद में थोड़ा सा और क्लीनिंग करी बाकी कारपेंटर का काम चल रहा था उस वजह से मैं कुछ भी मतलब शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा था मशीनों की आवाज़ आ रही थी सो इस वजह से तो अभी शाम का टाइम हो रहा है ये जस्ट आने वाले हैं तो मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए किचन में एंड पापा भी मेरे फादर इन लॉ भी थोड़ी देर बाद आ ही जाएंगे तो चलिए सबके लिए कुछ ना कुछ हम कुक करते हैं एंड बाय द वे जो आज मेरा ये ड्रेस है ये मेरी मदर इन लॉ को बहुत प्यारा लग रहा है सर और इन्होंने बोला कि आपके पहनने के बाद में बहुत ही सुंदर सा लग रहा है गाइस अभी नाइट का टाइम हो रहा है सब लोग सो गए हैं और ये गए हुए हैं अभी हॉस्पिटल तो इनका पता नहीं है कितनी देर में आएंगे तो अभी मैं हॉल की लाइट ऑफ कर देती हूँ एंड उसके बाद मैं व्लॉग एंड कर देती हूँ यहीं पर आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो नहीं कर रहा है तो इस वजह से गंदी लग रही हूँ ना मैं तो क्या हुआ ना मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी मतलब डिनर वगैरह कराने भैया वगैरह सब लोग आए थे तो सब ने डिनर कर लिए छिर के सब लोग चले गए घर मतलब सॉरी हॉस्पिटल गए तो अभी जब आ जाएंगे तब तक मैं जगूंगी आराम से अभी एक दो घंटे आराम से लगने वाले हैं एंड कल सुबह हम लोग को फैक्ट्री भी जाना है क्योंकि कल है दिवाली सो वहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह भी देने होंगे तो कल का व्लॉग मिस मत करना ज़रूर देखना आप सभी लोग को नाइट टेक केयर गाइस बाय बाय